नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस टी डी आई एस परिवार के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेंस पॉइंटर के नाम से एस टी डी के द्वारा एक मेंस प्रोग्राम जो है वो चलाया गया है। अब इसके अंदर आप लोगों के सामने क्या हम प्रोवाइड करेंगे, देखिए हाल ही में हुई जो भी घटनाएं घटित होती हैं, यानी कि आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट होती हैं, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, दोनों ही एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स के वो टॉपिक जहां से क्वेश्चंस जो है वो क्रिएट हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, तो उन टॉपिकों को कवर करना। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठा होगा कि फिर करंट अफेयर तो बहुत लोग जो है वो कवर करा रहे हैं, बहुत सारे एजुकेशन चैनल पर जो है ये कवर हो रहा है, तो फिर हम ये क्लासेस क्यों दें? ऐसा तो क्या है कि मैं ये क्लास दूं उन क्लास को छोड़कर? देखिए, जो भी आंसर राइटिंग की समझ रखते हैं और ये मानते हैं कि सिलेक्शन की जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाँ वो मेरा सिलेक्शन करा सकता है, वो है आंसर राइटिंग। अब मेंस के किसी क्वेश्चन का यदि आपको आंसर देना है तो आपके पास क्या चीजें होनी चाहिए? उस टॉपिक से नॉलेज तो होनी चाहिए कि हाँ मुझे उस टॉपिक की नॉलेज है, मगर वो नॉलेज कैसे होनी चाहिए, एक कहानी की तरह, ताकि आप वहां पर फिर फंस जाओ वो टाइम पीरियड कि हाँ मुझे 8 मिनट के अंदर क्वेश्चन का आंसर देना था और आप 12, 14, 15 मिनट में दे रहे हो, जिसकी वजह से आपका मेंस क्रैक नहीं हो पा रहा है। यह नहीं होगा। या फिर हम उस तरह से तैयारी करें जिस तरह से एग्जाम के अंदर हाँ मुझे करनी चाहिए, ताकि मैं अपना एग्जाम निकाल सकूं और मेरे लिए आसान हो जाए मेंस क्रैक करना। हम वो सभी टॉपिक जहां से क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं, वो लेख, चाहे फिर द हिंदू का हो, इंडियन एक्सप्रेस का हो, वो किसी भी न्यूज़पेपर जो आप मानते हैं कि हाँ ये एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सभी आर्टिकल हम आप लोगों के लिए सामने लेके आते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपके क्वेश्चन पेपर जो है वो बनाते हैं, वो कहां से चीजों को देखते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है कैसे आपके मेंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, आप उस आर्टिकल में से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक कहानी की तरह बता देना कि हाँ द हिंदू के एनालाइज कराए जाते हैं कि ये लीजिए वो लीजिए, या फिर हम अन्य चीजें चीजें प्रोवाइड नहीं करा रहे। यहां पर करंट अफेयर के टॉपिक कवर होंगे, मगर वो होंगे मेंस पॉइंटर, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट चीजें हम कवर करेंगे कि हाँ ये वो पॉइंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये पॉइंट है जो आपको यूज कर सकते हैं जब आपके मेंस के क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे हो, और जिन्होंने क्लासेस दी है उनको ये चीज जो है वो समझ में आ गई होगी। तो पढ़ो वो जो काम आए, क्योंकि मेंस के अंदर हमें आंसर लिखने हैं, ना ही तो कोई समाचार लिखने हैं, क्योंकि बहुत सारे एजुकेशन चैनल पर ये चीजें चलती हैं, ठीक है, और ना ही हमें कोई कहानियां लिखनी है। तो हमें लिखना क्या है, मेंस के आंसर लिखने हैं, उन क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, तो वैसे ही पढ़ेंगे ताकि हमारी एग्जाम की तैयारी हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक क्या है? टॉपिक है कि भारत जो है आईईए में पूर्ण सदस्य के रूप में जो है वो शामिल हो रहा है। अब ये कहां से कनेक्ट होता है? ये होता है जीएस पेपर टू से कनेक्ट होता है। जो कि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उनको समझ में आ गया हो कि हाँ कहां पर चीजें कनेक्ट हो रही हैं। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि ये जो लेख है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में जो है भारत की संभावित पूर्ण सदस्यता पर जो है वो चर्चा करता है। यह भारत की बढ़ती ऊर्जा खपत और जलवायु परिवर्तन में जो है भूमिका को देखते हुए इसमें शामिल करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। अब यह लेख हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही टॉपिक से जो है वो क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। हम मांग कर रहे हैं कि हाँ हमें पूर्ण सदस्यता मिले, ये हम चाहते हैं, और भारत कोई चीज चाहता है, यानी कि वो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसे तो क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, तो वो संस्था क्या है, हम चाहते हैं कि हम उसके अंदर शामिल हो। मुद्दा क्या है कि भारत ने जो है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में जो है पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने का अनुरोध किया है। अब यह चीज चर्चाओं के अंदर आ गई है, ठीक है, बदलते वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य को दर्शाते हुए जो है भारत इसमें शामिल होने वाला पहला जो है गैर ओईसीडी जो है वो देश होगा। यानी कि हमारा मुद्दा चारों कहां का होता है कि भाई भारत इसके अंदर शामिल होना चाहता है, इसलिए यह चीज जो है वो चर्चाओं के अंदर आ गई है। अब वो जो संस्था है, वो जो संगठन है, उसके बारे में हमें जानना है। अब वो उसमें शामिल होगा तो महत्व के जो इंपोर्टेंट पॉइंट होंगे वो हमारे लिए इंपोर्टेंट हो जाते हैं, तो हम वैसे देखेंगे ताकि हमारे मेंस जो है यहां से क्वेश्चन आए तो फिर वो कैसे उसका आंसर ले सकते हैं, वो कौन से पॉइंट हमारे लिए इंपोर्टेंट हो जाते हैं। तो इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाँ कैसे क्वेश्चन जो है वो क्रिएट हो सकता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के उद्देश्यों के साथ जो है अपनी ऊर्जा प्राथमिकताओं को जो है संरक्षित करने में
भारत की जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है उन पर चर्चा करें, और ये चुनौतियां जो है वैश्विक ऊर्जा गतिशीलता और जलवायु प्रयासों को जो है कैसे प्रभावित कर सकती है, इस पे हमें बात करनी है। देखिए, हमारे सामने एक टॉपिक है कि हाँ, भारत उसमें शामिल होना चाहता है। अब करंट अफेयर के हिसाब से जो है आपके सामने चीजें यदि प्रस्तुत हुई हैं, तो वो कैसे प्रस्तुत होंगी? हाँ, शामिल होना चाहता है, ये चीजें हैं, वो चीजें हैं, ये संस्था ये है, मगर इसके बाद के जो पॉइंट होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कहानी के रूप में नहीं, वो पॉइंट टू पॉइंट जो आपको लिखने होते हैं वो हमें चाहिए। तो यहां पर हम उन सभी पर बात करेंगे जो कि इस तरह क्वेश्चन का हम आंसर दे पाए। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। देखिए, आईई में जो है भारत के शामिल होने का क्या महत्व है? अब वो दो तरीके से हो सकता है कि भारत के लिए क्या लाभ है और किसके लिए, इस संगठन के लिए क्या लाभ है। तो वो दोनों ही पॉइंट हम देखेंगे कि हाँ, भारत के लिए क्या लाभ है और इनके लिए, यानी कि दोनों के लाभ बात करते हुए वो पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे और पॉइंट हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है नहीं, क्योंकि हमें इस्तेमाल कहां पर करने हैं, मेंस के अंदर। वैश्विक प्रभाव में वृद्धि, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ताओं के रूप में जो है इस संगठन में भारत की पूर्ण सदस्यता ऊर्जा निर्णयों में इसके वैश्विक प्रभाव को जो है वो बढ़ा सकती है ना। हमारा वैश्विक प्रभाव बढ़ेगा, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि पहला पॉइंट तो भाई हम किसके बारे में लिखेंगे कि हमारा वैश्विक प्रभाव जो है उसमें वृद्धि होगी। हेडिंग ही वही है ना, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा क्या कि ऊर्जा परिवर्तन समर्थक। देखिए, भारत के महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य जो है, जैसे कि 2030 तक जो है गैर जीवाश्म बिजली क्षमता को 3 गुना करना, और आईईए में समर्थन और विशेषज्ञता प्राप्त कर सकते हैं, तो ये दूसरा बेनिफिट हमारे लिए है। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि इसकी विशेषज्ञता से हम चीजों को सीख सकते हैं, क्योंकि जिसके पास इस तरह की नॉलेज है वहां से हमें बहुत सारा जो उनका अनुभव है वहां से जानकारी हमें मिलती है और वो उससे सीखने को मिलता है। तो भारत जो है ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु प्रूफिंग जो है अर्थव्यवस्थाओं में इसके अनुभव से जो है हम लाभ उठा सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट तो ये हो गए कि हाँ, वो कौन कौन से बेनिफिट जो भारत को मिलेंगे और वो कौन से बेनिफिट है जो संगठन को मिलेंगे। तो उसकी बात हम कर लेते हैं, वर्तमान वैश्विक ऊर्जा रुझानों को जो है प्रतिबिंबित करना। देखिए, भारत को शामिल करना जो है OECD देशों में उभरती अर्थव्यवस्थाओं की ओर ऊर्जा खपत में बदलाव को जो है यह दर्शाता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जलवायु परिवर्तन को जो है संबोधित करना। देखिए, वैश्विक ऊर्जा खपत में जो है भारत की भूमिका वैश्विक जलवायु प्रयासों में इसकी भागीदारी को महत्वपूर्ण बनाती है। और तीसरा पॉइंट हमारा क्या हो सकता है कि जलवायु लक्ष्य के साथ जो है ऊर्जा आवश्यकताओं को संतुलित करना। देखिए, ये जो संगठन है वैश्विक उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों के साथ जो है विशेष रूप से जीवाश्म ईंधनों में अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को संतुलित करने के लिए भारत के साथ काम कर सकता है। तो ये तीन तीन पॉइंट हमने जान लिए कि भाई हाँ, इस संगठन को के लिए क्या बेनिफिट है और भारत के लिए क्या बेनिफिट। अब बेनिफिट के बारे में बात की जाएगी तो हम इन पॉइंटों का इस्तेमाल कर पाएंगे। अब बात किसकी करते हैं कि वो चुनौतियां मौजूद क्या है। शामिल तो हो रहे हैं, हम अनुरोध उनसे कर रहे हैं, तो भारत के सामने क्या चुनौतियां मौजूद हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, अलग अलग ऊर्जा जो है प्राथमिकताएं हैं कि भारत में जो है जीवाश्म ईंधन की बढ़ती खपत और जिसमें दशक के अंत तक जो है तेल के उपयोग के संभावित कितना 20% की जो है वृद्धि शामिल है। जीवाश्म ईंधन को जो है कम करने पर इस संगठन के फोकस के विपरीत है। ठीक है, तो यानी कि जिस चीज के अंदर हम शामिल होना चाह रहे हैं उसकी चीज के विपरीत है और हमारी इधर अलग अलग है, हमारी प्राथमिकताएं अलग अलग है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा भी हमारे सामने ये चुनौती है। दूसरी क्या है कि नई कोयला क्षमता संबंधी चिंताएं हैं कि भारत में जो है 40 से 80 गीगावाट नई कोयला बिजली जो है उत्पादन की योजना महंगी कार्बन हटाने वाले प्रौद्योगिकियों के बिना नई कोयला क्षमता के खिलाफ जो है इस संगठन के रूप के साथ संघर्ष कर रही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा हो गया तेल की भंडार की आवश्यकता है। उसके अंदर ये पॉइंट है कि भारत के पास जो है वर्तमान में 1 सप्ताह से अधिक जो है कम का रणनीतिक तेल भंडार है, और वो इंसान क्या चाहता है, वो संगठन क्या, कि 90 जो है दिवसीय आपातकाल रिजर्व की आवश्यकता से ये काफी कम है जो वो चाहता है। तो अनुपात की चुनौती है भाई साहब कि हम उसके जो पालन है वो नहीं कर पा रहे कि हाँ, ये एक चीज होनी चाहिए, ये भी नहीं कर पा रहे, तो ये भी हमारे सामने चुनौती है। तो उत्सर्जन में जो है कटौती के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करना, वैश्विक उत्सर्जन में जो है कटौती के प्रयास के साथ भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि को संरेखित करना और एक जटिल बातचीत का जो है मुद्दा प्रस्तुत करता है।
जो हम चुनौतियों की बात कर रहे हैं कि भाई हाँ, इस संगठन के अंदर शामिल होने वाले से भारत के सामने क्या चुनौतियां मौजूद हो सकती हैं, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब बात कई तरीके से की जा सकती है कि हाँ, बता दें सामने कि भाई ये चीजें उनकी जो मुद्दे हैं, उनकी चीजें हैं, वो जिस ओर देखते हैं उससे चीजें हमारे कुछ विपरीत है, मैच नहीं खाती है, और हमें बहुत सारे पॉइंटों पर काम करने की आवश्यकता हमें पड़ेगी। अब इस तरह की एक कहानी क्रिएट करके चीजों को बताया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है। फिर वही चीज आ जाती है कि मेंस के अंदर ना ही तो कहानियां चलती है, ना ही समाचार चलते हैं। वहां पर क्या चलता है? वहां पर आपसे पॉइंट मांगे जाते हैं कि बताइए सर, चुनौतियां तो हैं मगर अपने पॉइंट टू पॉइंट चीजें रख दीजिए। तो हम अपने पॉइंट रखते हैं कि भाई अलग अलग ऊर्जा प्राथमिकताएं हैं, ये हमारे सामने चुनौती है। हमारे सामने चुनौती है कि नई कोयला क्षमता संबंधी चिंताएं हैं, वो हमारे सामने चुनौती है। तेल भंडार की आवश्यकता के संबंध चुनौती, कि हम एक सप्ताह की बात करते हैं, वो 90 दिवस की, ठीक है? नहीं, पॉइंट हमारा है कि उत्सर्जन में कटौती के साथ जो है आर्थिक विकास को संतुलित करना, ये भी हमारे सामने चुनौती है। तो वो चुनौतियां क्या क्या है, वो पॉइंट टू पॉइंट हमारे पास है, और लिखना आसान हो जाता है जब इससे संबंधित क्वेश्चन आए, तो वही हम आपको करा रहे हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि भारत की ऊर्जा खपत दुनिया को कैसे प्रभावित करती है, यह हमारा पॉइंट है। तो इसमें हमारे कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं जिनके अंदर हमें एक नॉलेज भी मिलेगी, हमें पता चल जाएगा कि हाँ, ये वो पॉइंट है जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं यदि वो इस तरह से संबंधित चीजें पूछी जाए। क्या पूछा जाए? कि भारत की ऊर्जा खपत दुनिया को कैसे प्रभावित करती है, सिंपल सी बात पूछी गई है। अब वो कौन से क्वेश्चन के अंदर ये लैंग्वेज का यूज किया जाएगा, यहां पर प्रभावी सिस्टम आएगा, और वो भी किससे संबंधित, ऊर्जा खपत से संबंधित। हो सकता है क्वेश्चन कुछ डिफरेंट टाइप से हो, अलग तरीके चीजें पूछी जा रही हो, और वहां पर मगर ये लाइन है कि हाँ, ऊर्जा खपत दुनिया को कैसे प्रभावित करती है भारत की, तो वहां पर तो पॉइंट लिखने पड़ेंगे। तो हम इन पॉइंटों का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए जो चीज आपके पास होने चाहिए कि हाँ, वो आपसे मान लीजिए तीन चीजों पे बात करना चाह रहा है कि हाँ, आप ये बता दीजिए, ये मेरी फर्स्ट चीज है, ये मेरी सेकंड चीज है, और ये मेरी थर्ड चीज है। अब उसकी पृष्ठभूमि क्या होगी, उसकी निष्कर्ष क्या हो सकता है, और उसमें प्रवाह कैसे दिया जाना चाहिए किसी क्वेश्चन का आंसर देते हुए, ठीक है? नहीं, हमारा प्रस्तुतिकरण कैसा होना चाहिए, इसके लिए क्लासेज जो है चल रही हैं। हम और वो पॉइंट कौन से होने चाहिए, वो हम आपको यहां पर बता रहे हैं, और वो भी किन पर, जो अभी हाल ही के अंदर घटनाएं घटित होती हैं उनके ऊपर हम चीजें लेके आते हैं और आपसे बताते हैं कि हाँ, ये पॉइंट होगा तो इसके ये पॉइंट होंगे, इनका आप यूज कर सकते हो, ये पॉइंट होगा तो ये पॉइंट होंगे, ताकि अब कोई क्वेश्चन आया है जिसके अंदर ये दो या तीन पॉइंट है, अब वो आप जानते हो पॉइंट टू पॉइंट आपके पास चीजें हैं तो आप आंसर लिख पाओगे, नहीं है तो फिर जय श्री राम, ठीक है? नहीं, तो आइए आगे बढ़ते हैं, वो पॉइंट देखते हैं वो कौन से हैं। वैश्विक ऊर्जा मांग में जो है प्रमुख योगदानकर्ता, देखिए भारत की बढ़ती जनसंख्या और अर्थव्यवस्था वैश्विक ऊर्जा मांग में जो है उल्लेखनीय वृद्धि करती है, ठीक है? दूसरा पॉइंट क्या कि भाई वैश्विक उत्सर्जन पर प्रभाव, कि एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक के रूप में जो है भारत की ऊर्जा पसंद सीधे जो है वैश्विक उत्सर्जन को प्रभावित करती है, और नवीनीकरणीय ऊर्जा जो है और उत्सर्जन तीव्रता में कमी में इसकी सफलता वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के क्या है, महत्वपूर्ण है इसके लिए, ठीक है? दूसरा क्या कि विकासशील देशों के लिए जो है एक मिसाल कायम करना, कि टिकाऊ ऊर्जा प्रथाओं के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करने में भारत की जो मार्ग है वो अन्य विकासशील देशों के लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सकता है, कि जैसे हम चल रहे हैं हम दोनों चीजों को संतुलित करते चल रहे हैं, हमारी ऊर्जा प्रथाओं के साथ हम अपने आर्थिक विकास दोनों को ही देख रहे हैं, और ये एक मॉडल हो सकता है जिसको अन्य विकासशील जो कंट्रियां हैं वो अपना सकती है, ठीक है? तो कैसे प्रभावित कर रहे हैं, ये पॉइंट हमारे होंगे। वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन को जो है वो बढ़ावा देना, देखिए नवीनीकरणीय ऊर्जा बढ़ाने के लिए भारत की जो प्रतिबद्धता है, जैसे कि 2030 तक जो है वो गैर जीवाश्म बिजली क्षमता को 3 गुना करने का लक्ष्य हमारा है, और वैश्विक ऊर्जा बाजार के रुझान और निवेश को जो है वो प्रभावित करता है। तो पॉइंट हो गए हमारे कि भाई दुनिया को हम कैसे प्रभावित कर रहे हैं, है ना? ये इन पॉइंटों का इस्तेमाल किया जा सकता है, वो चीज आपके पास आएगी जिसको आपकी जरूरत है, कि भाई हाँ, मुझे इन चीजों की जरूरत है, मैं बार 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 जो है इस संगठन के बारे में पढ़ता हूं, रीड करता हूं, और ये भारत से कैसे कनेक्ट है, भारत अनुरोध जो है इसके अंदर शामिल होना भी चाहता है, अब वो हमसे संबंधित कैसे है, दुनिया को हम कैसे, क्योंकि वो एक ऊर्जा से संबंधित चीजें हैं, है ना? तो खपत कैसे प्रभावित करती है दुनिया को, हमारे पास पॉइंट है। हमारे पास पॉइंट किस चीज के हैं, कि इसमें शामिल होने से भारत के सामने कौन सी चुनौतियां आएंगी, ये पॉइंट हमारे सामने है।
कि भाई हम शामिल तो होना चाहते हैं, तो मगर चुनौतियां कौन कौन सी आएंगी। हम मेंस प्रोस्पेक्टिव से सोच रहे हैं कि वो पॉइंट हमारे पास होना चाहिए जो इससे संबंधित हमारे पास जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की ओर जाते हैं। और ये टॉपिक चर्चाओं के अंदर किसी न किसी वजह से रहता ही है, क्योंकि आप भी इसी से संबंधित हैं। देखिए, डिजिटल मीडिया अवसर है कि जोखिम है, इससे संबंधित लेख आया है और ये जीएस पेपर थर्ड से संबंधित है। ठीक है, लेख में जो है डिजिटल मीडिया उद्योग के उदय से जो है जुड़े अवसरों और जोखिम पर जो है वो चर्चा की गई है, और उस पर हमें चर्चा करनी है कि यह हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगातार चर्चाओं के अंदर रहता है। आप खुद इससे संबंधित हैं, खुद आप इससे जो है वो कनेक्ट हैं, और जो लगातार इसरो ओर से जो है वृद्धि कर रहा है, अग्रसर है उस चीज की ओर, उस पर बात करनी जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जामिनर भी उसको देख रहे हैं कि हाँ ये चीजें क्या चल, लगातार सोशल मीडिया की बात होती है, डिजिटल मीडिया की बात लगातार होती है। अब जिस चीज के ऊपर इतनी बात होती हो, इतनी बहस होती हो, वहां से कुछ ना कुछ तो क्रिएट होगा। अब हमारे पास फिर वो सब मारा जो है मेटल हो जाना चाहिए, और कैसे, कहानियां नहीं, क्या होना चाहिए कि हाँ हम चाय की टपरी में जो है खड़े हुए वहां पर जो है क्या कर रहे हैं, आपस में बहस कर रहे हैं, ये है नहीं है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, फोन देख रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो नहीं चलेगा। क्या चलेगा, इससे संबंधित वो पॉइंट चलेंगे कि यदि वहां से क्वेश्चन आए तो हम आंसर लिख पाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, डिजिटल मीडिया उद्योग के उदय के महत्व को आलोचनात्मक विश्लेषण करें। क्वेश्चन आ गया है, अब आपने डिजिटल मीडिया से संबंधित बहुत सारी जो है चीजें देखी होंगी, न्यूज भी सुनी होगी, बहस भी आपने कहीं ना कहीं की होगी, आपके खुद के कुछ विचार भी होंगे इसके ऊपर। अब लिखिए इस क्वेश्चन का आंसर, लिख दीजिए। कहानियों से, अन्य चीजों से आंसर लिख पाते तो फिर वो जहां पर बहुत सारे एजुकेशन पर चीजें चल रही हैं वो ठीक है, फिर आपको इसकी जरूरत नहीं है। और यदि आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, आंसर तो वाकई इन पॉइंटों से ही लिखना आसान हो जाएगा, चीजें आसान हो जाएंगी, सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, ऐसे तो बहुत चीजें आसान हो जाएंगी हमारे लिए, वो चीज मामूली रह जाएगी, हाँ कि हमारे सभी करंट अफेयर के जितने भी टॉपिक हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो कि ट्रेडिशनल से कनेक्ट होते हैं, उनके सारे पॉइंट हमारे पास है, एक शॉर्ट नोट्स की तरह चीजें क्रिएट हो रही हैं, तो वो आपके लिए बेहतरीन चीज हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, मीडिया जो है मनोरंजन क्षेत्र पर नवीनतम रिपोर्ट के प्रमुख जो है निष्कर्ष देखते हैं। अब ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, निष्कर्ष हम क्यों देख रहे हैं। अब बात करते हैं ना कि जब भी आपसे आंसर राइटिंग के बारे में बात की जाती हो तो आपको एक चीज देखी होगी कि आपसे बोला जाता है कि कोई भी पॉइंट जो है प्रस्तुत करो तो कुछ ना कुछ प्रमाण दो, अपना कोई एग्जाम्पल जो है वो बताओ, अपना जो है कोई प्रमाण दो कि हाँ मैंने ये पॉइंट रखा है, इसका ये प्रमाण है ना। तो वो प्रमाण देना इंपॉर्टेंट है, वो आंकड़े प्रस्तुत करना है, क्योंकि भाई आप अपने कंसेप्ट जो बता रहे हो उसके साथ में फैक्ट बताओगे कि मेरा पॉइंट है, ये मेरा फैक्ट है जो एक प्रमाण के रूप में कार्य कर रहा है ये बात रखने में। तो वो कहां से आएंगे, वो आएंगे कहां से, जब आप मीडिया की बात करोगे, इस तरह की चीजों पर डिजिटल मीडिया की बात आप करोगे, वो कहां से लेके आओगे। वो हमारी जिम्मेदारी है कि हाँ हम क्लास ले रहे हैं इस तरीके की, तो वो सब आपको प्रोवाइड कराया जाए। तो आइए वो सब पॉइंट देखते हैं। देखिए, उद्योग का आकार हमारा फर्स्ट है कि भाई इसकी विकास दर जो है 8% से अधिक है, और डिजिटल मीडिया जो है ऑनलाइन गेमिंग और जो है फिल्माए गए मनोरंजन क्षेत्रों में की तुलना में टेलीविजन, प्रिंट और रेडियो खंड को जो है आकार कम था। अनुमान है 2023 से 26 तक जो है ये सुझाव देते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग और डिजिटल मीडिया और जो है एनिमेशन और संगीत जैसे क्षेत्र जो है उद्योग के लिए राजस्व बढ़ाएंगे। अब यहां तक तो चीजें ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल नजर आ रही है। अब वो हमारे पॉइंट क्या है भाई, इंटरनेट की पहुंच है दिसंबर 2023 में जो है 8% बढ़कर जो है कितना 938 मिलियन जो है सब्सक्रिप्शन हो गई है। अभी आप चीजें देख रहे हैं कि इस तरह की आंकड़े आप प्रस्तुत करना चाह सकते हो कि भाई हाँ मैं इस तरह की कोई किसी क्वेश्चन का आंसर आप मैं लिख रहा हूं तो वहां पर मैं ये आंकड़ा दे सकता हूं कि इंटरनेट की पहुंच यहां सिस्टम तक पहुंच गई है। समय की खपत की बात कर रहे हो, जो आप जो है आलोचना किस चीज की कर रहे हैं कि हाँ जो आ रही है डिजिटल मीडिया आ रही है, ऐसा हो रहा है कि जो युवा है इतना टाइम दे रहे हैं फोन पर, जब आप बात करते हो ना तो आपकी बातों में प्रमाण भी तो होना चाहिए, तभी तो लोगों के भाई हाँ आप यूपीएससी स्टूडेंट हो, कि हाँ आप वो उम्मीदवार हो जिसका सिलेक्ट होना जरूरी है ना। तो समय की खपत के बारे में आप बात तो करते हो,
मगर प्रमाण के साथ कीजिए कि भाई 2023 में भारतीयों ने रोजाना लगभग 4.8 घंटे अपने फोन पर बिताए हैं। आप अपना जो है कैसे, अपनी बात कैसे रख रहे हो आंकड़ों के आधार पर कि लगभग 50% समय जो है सोशल मीडिया पर बिताया गया है, जबकि 28% जो है मनोरंजन और समाचार पर बिताया गया है। तो ये चीजें आप देख सकते हैं कि इस तरह की आप आंकड़े आप देंगे। ऑनलाइन गेमिंग की आप बात करें तो क्या कर सकते हैं कि 2023 में जो है ऑनलाइन गेमिंग में 22% की वृद्धि हुई है। सर आंकड़ा दिया है ना भाई, 2023 के ये आंकड़े हैं। इस चीज के प्रति डिटेल मीडिया की आप बात कर रहे हो तो उसके अंदर उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जो है क्रिएट हो सकते हैं, तो वहां आपको आंकड़े की जरूरत पड़ेगी अपनी बातों को रखते हुए, तभी तो प्रमाणित माना जाएगा, नहीं तो मानेंगे हवाई फायरिंग कर रहा है बंदा। तो यह उद्योग में जो है चौथा सबसे बड़ा खंड बनने के लिए जो है फिल्म आए हो गए मनोरंजन से आगे निकल गया है। ये आप देख रहे हैं क्या चीजें हो रही हैं, तो वो हमने प्रमाण के साथ बात कर रहे हैं और इन चीजों का आप यूज कर पाओगे, होनी चाहिए ये चीजें। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम दो चीजों पर बात कर रहे थे, एक अवसर पर बात कर रहे थे, एक जो है वो जोखिम पर बात कर रहे थे। तो वो अवसर क्या है और वो जोखिम क्या है, आइए वो पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। देखिए, डिजिटल बाजार जो है विज्ञापन को लोकतांत्रिकरण, हमारा फर्स्ट पॉइंट, की लगभग 10 लाख छोटे पैमाने के व्यवसाय ने जो है 2023 में डिजिटल विज्ञापन पर लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। कितने? 20,000 करोड़ रुपए। इससे जो है छोटे व्यवसाय को अपने कहां तक भी, हमें कहीं तक पहुंचना है, लक्षित है हमारा कि हम उन लोगों तक पहुंचे। जैसे हमारा टारगेट है कि जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, मेन टारगेट क्या है कि जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जिनको जरूरत है वाकई उस चीज की कि हाँ भाई मुझे अपना मेंस क्रैक करना है, मेरे को सिलेक्शन चाहिए, मुझे नहीं घूमना इस उधर उधर की चीजों के अंदर, मुझे वो चीज चाहिए जो मेरी राह को आसान बनाए। तो हम भी उन लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, हम उन लोगों तक पहुंचना चाहते हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है कि हाँ मेरे पास सर पैसा नहीं है, मैं लाखों रुपए फीस नहीं दे सकता हूं किसी भी इंस्टीट्यूट को, नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे पास है ही नहीं, मेरी फैमिली मुझे उस चीज के लिए अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं भी नहीं कर सकता। तो प्लीज कुछ ऐसा हो जहां से कुछ हेल्प मिले जो वाकई लगे कि हाँ मेरी राह को आसान बना देगी, तो वो ये चीज है। और ये मान के चलेगा कि आंसर राइटिंग ही एक माध्यम है जो आपका सिलेक्शन करा सकता है यूपीएससी और जो है पीसीएस के अंदर, और वो उसके लिए उन क्वेश्चंस को आंसर लिखने के लिए हमारे पास नॉलेज जो है पॉइंट टू पॉइंट चीजें होनी चाहिए, वो यहां पर आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या भाई, अपार विकास क्षमता। देखिए, ऐसा अनुमान है कि 2026 तक जो है डिजिटल मीडिया जो है स्पेस प्रिंट मीडिया के आकार से 3 गुना अधिक हो जाएगा और टेलीविजन से भी आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तो अवसर है सर, अवसर की बात कर रहे हैं, तो फिर हमने अवसर की बात कर ली कि अपने पॉइंट रख दिए। अब जोखिम की बात करेंगे तो हम उनके पॉइंट रखेंगे, भाई बड़ी कंपनियों का वर्चस्व, ये हो सकता है कि बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनी जो है विज्ञापन उद्योग में वृद्धिशील राजस्व जो है वो हासिल कर सकती है। इससे क्या होगा कि जो छोटी कंपनियां हैं वो हाशिए पर आ जा सकती हैं। ठीक है नहीं, दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो सकता है कि सोशल मीडिया जो है दिग्गजों द्वारा उसका दुरुपयोग किया जा सकता है, वे सामग्री और विज्ञापन को आगे बढ़ाने के लिए उपयोगकर्ताओं की कमजोरियों और पूर्वग्रह का फायदा उठाकर अपनी प्रमुख स्थितियों का जो है वो दुरुपयोग कर सकते हैं। तो ये क्या है, जोखिम है, हमारे सामने चुनौतियां हैं जिनको हमें हल करना है। ठीक है, सामाजिक अव्यवस्था की बात हम कर सकते हैं कि भाई डिजिटल मीडिया द्वारा जो है बनाए गए विज्ञापनों और सामग्री का उपयोग जो है निहित समूह द्वारा समाज की जो है ध्रुवीकरण करने और सामाजिक वैमनस्य की बीज बोने के लिए जो है किया जा सकता है ना। तो ये क्या है, जोखिम है, ये चुनौतियां हमारे सामने है कि हाँ इसका यूज ऐसे भी हो सकता है, ये इसके अवसर है और ये इसके सामने चुनौतियां हैं और ये पॉइंट है। पॉइंट ऐसे तो दिए, आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते हुए बात कर रहे हो कि भाई डिजिटल मीडिया के साथ जो है वो कौन से जोखिम है, तो ऐसे तो पॉइंट रखोगे ना आप। अवसर की बात करोगे तो फिर कैसे अवसर की बात करोगे, ऐसे ही अवसर के पॉइंट टू पॉइंट रखोगे अपने, और वो सामने आ रहे हैं, ये आपके शॉर्ट नोट्स तैयार हो रहे हैं जो आपको बार 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 रीड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस देख लो कि हाँ ये वो पॉइंट है, मैं ये प्रस्तुत करूंगा, ये चुनौतियां हैं मैं ये दे दूंगा, मेरे पास आंकड़े अपडेट करने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। देखिए, क्या महिलाओं के बिना जो है न्याय प्रणाली महिलाओं को न्याय दिला सकती है, महिला शक्तिकरण की बात हो रही है, उनके प्रतिनिधित्व की बात हो रही है, और ये कहां से संबंधित है,
हमारे जीएस पेपर फर्स्ट से यानी कि समाज से। ठीक है, ये तो है ना, आप पीसीएस के अंदर भी होगा कि समाज से संबंधित जो है टॉपिक होंगे, तो वहां से ये चीज संबंधित है, लेख है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेख में जो है पुलिस है, न्यायपालिका है, जेलों से, मतलब उनका प्रतिनिधित्व की बात की जा रही है कि वो नहीं है महिलाओं का, वो समानता नहीं है, उसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं, उसकी क्या क्या चीजें हो सकती है, और क्वेश्चन कैसे क्रिएट हो सकता है कि भारत की न्याय प्रणाली में लिंग प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति जो है और लिंग अंतर को कम करने के महत्व की जांच कीजिए सर, उस वर्तमान स्थिति को भी बताइए और महत्व की जांच कीजिए। अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, मीन्स का आप जो आप पढ़ते हो, जो कहानियां सुनते हो, वो अलग चलती हैं और रियलिटी अलग चलती है। इसलिए तो ना कि लाखों में से जो हजारों चुने जाते हैं ऐसे तो नहीं चुने जाते ना, वो कुछ तो अलग करते होंगे, वो भीड़ के पीछे नहीं चलते, वो भेड़ नहीं है, वो क्या है, वो वाकई उस चीज को समझते हैं, अपने एग्जाम को समझते हैं, अपने सिलेबस को देखते हैं और फिर एग्जाम पैटर्न को समझते हैं, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो समझते हैं और फिर सही चीजों को चुनते हैं। हम नहीं जरूर है, मगर ये जो कंटेंट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने सिलेबस पे जाइए, अपने एग्जाम पैटर्न पे जाइए और फिर समझिए कि हाँ वाकई ये क्या चीज आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत की न्याय व्यवस्था में महिलाओं की वर्तमान स्थिति क्या है? कम महिला प्रतिनिधित्व है, यह हमारा पॉइंट हो सकता है कि भाई भारत की न्याय रिपोर्ट जो है न्याय वितरण प्रणाली में केवल लगभग 3 लाख महिलाओं को जो है इंगित करता है और व्यापक लिंग अंतर को जो है वो उजागर करता है कि केवल 3 लाख महिलाएं हैं। ठीक है, यानी कि कम महिला प्रतिनिधित्व की हम बात कर रहे हैं, हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा क्या कि न्यायपालिका में असमानता है। अब आप ऐसे बात करोगे कि भाई न्यायपालिका में असमानता है चुनेगी जे, अब कोई सुनेगा ऐसे कोई बात? भाई एग्जामिनर ऐसे बात नहीं सुनते आपकी, इसलिए तो बोलता हूं कि कोई बात आप रख रहे हो, अपना कोई पॉइंट रखोगे तो कैसे रखोगे भाई। अधीनस्थ न्यायपालिका में 35% भूमिका जो है महिलाओं की है, ये तो ठीक है, मगर ये जो चीज है ना 35%, ये आपकी बातों के अंदर वजन डालता है और आपको दिखाता है कि आपने सही में पढ़ाई की है। जो आप पॉइंट अपने रखते हो, आप बात करते हो कि उच्च न्यायालयों में घटकर 13% रह गई है, आपने आंकड़े के साथ बात कर रहे हो। जब हम अधीनस्थ न्यायालय की बात कर रहे हैं तो ये है, उच्च न्यायालयों की बात करते हैं तो घटकर ये रह जाती है, और जब हम सर्वोच्च न्यायालय पे जाते हैं तो केवल 3 महिलाएं जो है न्यायाधीश। तो उसको देखेगा कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो वाकई मस्त है, अपनी बात अच्छे से रखते हो। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कि नेतृत्व भूमिकाओं की कमी, कि कोई भी महिला जो है कभी भी भारत की मुख्य न्यायाधीश नहीं रही है, और 70 वर्ष में केवल 16 जो है महिलाओं ने उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। अब आपने बताया कि नेतृत्व जो है उसकी भूमिका के अंदर कमी है, नहीं किया है, न्यायाधीश वहां पर नहीं है जो है, प्रतिनिधित्व कम है। अब फर्स्ट पॉइंट यहीं पर ही आ गया ना कि कहानियां जो है यहीं पर सीमित हो जाएंगी ना। आप सोच के देखिएगा कि जो कहानियां प्रोवाइड कराई जाती है कि हाँ प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वो तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर ही खत्म हो गया कि मैं प्रतिनिधित्व नहीं है, मगर अगले पॉइंट आप कहां से लेके आओगे? अब रियल में वो चीज तो है, रियलिटी तो वो है कि जो आप बता रहे हो कि ये चीज है, ये आंकड़े हैं, ऐसे है कि 70 वर्ष के अंदर भाई 16 ये चीज है ना। पुलिस की जो है जेल प्रशासन की हम बात करते हैं कि पुलिस कर्मियों में लगभग 12% और जेल प्रशासन में जो है 14% महिलाएं हैं, मुख्यतः तो जो है निचले स्तर पर ही है। यानी कि जो भी आपने अपने पॉइंट रखे वो आंकड़ों के साथ, और ये हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं कि लीजिए ये करंट के अंदर मुद्दा है, ये आपका टॉपिक है और आपके सामने ये पॉइंट टू पॉइंट चीजें हैं। आप बात जिसकी करोगे कि वर्तमान में स्थिति की, आप बात करोगे किसकी, महिलाओं की, तो आप ऐसे रख सकते हो कि न्याय व्यवस्था की बात हो रही है, महिलाओं की वर्तमान स्थिति की बात हो रही है, ठीक है, प्रतिनिधित्व की बात हो रही है, तो ये आंकड़े भी हैं और ये वो पॉइंट भी हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, भारत में जो है लिंग अंतर को कम करना क्यों महत्वपूर्ण है? अब क्वेश्चन यही है कि न्याय व्यवस्था सिस्टम के अंदर ही है कि भारत में जो है लिंग अंतर को कम करना क्यों महत्वपूर्ण है और क्या किया जा सकता है ना, उपाय सुझाइए। ये ऐसा कोई भी जो है लाइन के अंदर यूज की गई है, अब फिर वहां पर चक्कर आ रहे हैं कि मुझे कहानियां तो पता है, मैंने पढ़ा कहानियों के रूप में ही है जो है एजुकेशन लेवल पर, पॉइंट नहीं पढ़े यार, तो मेंस आपको बाहर कर देगा कि आप भी बाहर जाइए, पहले पढ़ के ही आ जाइए,
फिर आप देख रहे हैं कि कहां पर ऐसी चल रही हैं, फिर कहानियां चल रही हैं। तो पॉइंट देखते हैं, देखिए भारत में जो है एक महिला मुख्य न्यायाधीश की जो है अनुपस्थिति, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पदों पर जो है कुछ महिलाओं की अनुपस्थिति, क्या न्यायपालिका के नेतृत्व में महिलाओं के प्रभाव को जो है वो सीमित करती है। क्यों महत्वपूर्ण है? ये चीजें दिखा रही हैं कि भाई ऐसा होगा तो वो क्या है, न्यायपालिका के नेतृत्व में महिलाओं के प्रभाव को सीमित करती है। ठीक है, दूसरा क्या कि मानव अधिकार आयोग में जो है महिलाओं की न्यूनतम उपस्थिति में लिंग विशिष्ट मुद्दों पर जो है अपर्याप्त ध्यान दिया जा सकता है। क्यों महत्वपूर्ण है? ये पॉइंट आपके नजर आपको बता रहे हैं और वो दिखा रहे हैं कि हाँ क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, वो पॉइंट आपके पास जा रहे हैं। पुलिस और जेल प्रशासन में जो है कम प्रतिनिधित्व के कारण जो है कानून प्रवर्तन और जेल प्रबंधन पर जो है लैंगिक भेदभाव का असर पड़ने का खतरा है। अगला पॉइंट क्या हो सकता है कि महिलाओं को कुल मिलाकर जो है कम प्रतिनिधित्व और संस्थागत पूर्वाग्रह को दर्शाता है, जो संभावित रूप से जो है सिस्टम के भीतर न्याय वितरण और समानता को प्रभावित कर रहा है। अब हम पढ़ के आ रहे हैं कि हम लेकर आया है करंट के अंदर मुद्दा है क्या कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो उस तरीके का नहीं है। अब उसे जो है कहानी के रूप में भी बताया जा सकता है कि ऐसी चीजें हो रही हैं, ये लेख यहां पर छपा है और इसके अंदर इस तरह की बातें की गई हैं कि हाँ लिंग के अंदर कमी है और पुलिस सिस्टम के अंदर चीज के अंदर, मगर वो पॉइंट टू पॉइंट हम क्यों प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आपकी हेल्प हो सके, क्योंकि डिमांड एग्जाम की यही है, वो नहीं कराएंगे तो फिर हम आपके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। वही पॉइंट जो हमने अभी क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल करके आपको बताया था कि यहां क्या किया जाए, क्या कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। वो हमारे फिर से वही पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, क्योंकि भाई आंसर के अंदर पॉइंट ही लिखने होते हैं, है ना, हमें बताना होता है। नेतृत्व कार्य भूमिकाओं के लिए जो है महिलाओं को बढ़ावा देना कि भाई 70 से अधिक वर्षों में जो 16 महिला मुख्य न्यायाधीश के वर्तमान जो है वो सीमित रही हैं, इस इतिहास को आगे बढ़े, इससे निकलो भाई, कि अधिक महिलाओं को जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है जैसी भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना है हमें, कि जो बहुत कम प्रतिनिधित्व है इसको बढ़ाए और जो हमारा इतिहास रहा है वो आगे चीजें इस तरह की चीजें ना चलें। ठीक है, नहीं प्रणालीगत पूर्वग्रह को जो है संबोधित करें कि न्याय जो न्यायमूर्ति है रूमा पाल जी और किरण बेदी जी, यहां से आपको मिलना चाहिए, जितनी भी लड़कियां जो मेहनत कर रही हैं वो देखो, जैसी सफल महिलाओं के जो है अपवाद से सीखते हुए महिलाओं की प्रगति में बाधा डालने वाले संस्थागत पूर्वग्रह से निपटें, ये पॉइंट है उनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, पुलिसिंग जो है जेलों में महिलाओं को सत बनाना, देखिए इन क्षेत्रों में जो है एक संतुलित और समावेशी दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और जेल प्रशासन में जो है महिलाओं का प्रतिशत क्रम से कितना है 12% और 14% से अधिक बढ़ाना, अपनी बात रख रहे हैं आंकड़ों के हिसाब से। ठीक है, सहायक नीतियां लागू करें कि ऐसी नीतियां जो है विकसित करें और लागू करें जो लैंगिक समानता का समर्थन करती है और न्याय प्रणाली में जो है महिलाओं के सामने आने वाली विशिष्ट आवश्यकता और चुनौतियों का जो है वो समाधान करती है। ठीक है, तो क्या किया जा सकता है वो हमने बात की कि भाई हाँ ये प्रॉब्लम है, इस पर क्या किया जा सकता है, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, हमारा सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है कि हम कहां पर सुधार कर सकते हैं। ठीक है, हमारी नीति जो है इस तरह की लागू होनी चाहिए, उस पर बात की हमने, और बात करते करते वो पॉइंट टू पॉइंट के रूप में बात की ताकि हाँ मेंस के अंदर यूज हो सके। ठीक है, तो तीन टॉपिकों को हमने देखा, उनके बारे में अच्छे से चीजों को समझा, भाई ये करंट के अंदर है, ये पॉइंट्स हैं, ठीक है इस तरह की चीजें कुछ हो रही हैं, ये चीजें ये स्थिति बनी हुई है, लेकिन हमने एक नॉर्मल टॉपिक के बारे में जाना कि हमने क्या जाना, क्या है कि प्रतिनिधित्व नहीं है न्याय प्रणाली के अंदर महिलाओं को जो है न्याय कैसे दिला सकते हैं, टॉपिक है, क्वेश्चन ऐसे क्रिएट हो सकता है, हमने ये देख लिया कि हाँ इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, ओके कहां से संबंधित है ये हमने जान लिया। उसके बाद हमने क्या जाना, हमने जाना कि भारत की न्याय व्यवस्था जो है महिलाओं की वर्तमान स्थिति एक्चुअल में है क्या, भाई हमारे पास वो पॉइंट हमारे जरूरी है ताकि जब हम बात कर रहे हो या फिर हम वर्तमान स्थिति समझाएं तो ये पॉइंट सीधे यूज हो सकते हैं, ये सीधे पॉइंट यूज होंगे हम वर्तमान स्थिति समझाएंगे तो, और यदि हम कहीं पर आंकड़े देने हैं तो वहां पर इन चीजों का यूज कब कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हमने समझा जो हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिंग के अंतर को कम करना क्यों महत्वपूर्ण है, ऐसी तो भाई क्या बात है, क्यों हमें ऐसा करना है,
वो पूछा जा सकता है। तो ये हमारे हम एक भी ऐसा क्यों करना है, वो हमने समझा कि ऐसा क्यों करना है, ठीक है, वो समझने के बाद जो है वो पॉइंट टू पॉइंट रूप से समझा तो इसलिए यूज हो सकता है। फिर आगे क्या भाई, क्या किया जाए, प्रॉब्लम्स तो है मगर सोल्यूशन भी तो चाहिए, तो वो सोल्यूशन भी मिला। तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो बहुत सारे लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं अपने घर पर बैठकर या कहीं पर भी आप रूम लेकर स्टडी कर रहे हो, शेयर कीजिए ताकि हाँ ये चीज वहां तक पहुंच सके, हम आप लोगों तक पहुंच सके, और आपको ये कैसे हेल्प कर रही है प्लीज कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।